कैथल के चंदाना गांव के अंदर गांव में एक सरकारी स्कूल सांप के काटने से बच्चे की मौत हो गई है। मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बेंच के पाइप के अंदर सांप था जिसके काटने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम रोहित बताया जा रहा है जो 9वीं कक्षा का छात्र है। मेडिकल ऑफिसर कैथल ललित ने बताया बच्चा सिविल अस्पताल में लाया गया था। यह मामला स्नेक के काटने का है। राजेंद्र कुमार उन्होंने जो स्थिति है कि वो ये क्लास में ही रही है बच्चे की, जो स्कूल में बेंचेस होते हैं, मेरे पास बच्चा आया कि हाथ में चोट लगी है, तो मैं देखा लग रहा मुझे लगा शायद फ्रैक्चर है, तो मैंने तुरंत दो टीचर्स को बुलाया, मुझे हॉस्टल में दिखाओ इनको, और वो तुरंत यहाँ पर ले भी आए। विद इन 20 या 25 मिनट्स वो कैथल पहुँच चुके थे। तो यहाँ मुझे मालूम चला, इन्होंने बताया फ़ोन पर कि हाथ पे कुछ काटा हुआ है, आप बेंचेस चेक करवाइए। तो फिर हमने सभी बेंचेस चेक करवाए, इतने में मैं भी कैथल की ओर निकल चुका था, और मुझे रास्ते में मालूम चला कि इन्होंने बेंचेस ट्रेस किए, बेंचेस में कहीं एक पाइप के अंदर एक सांप छुपा हुआ मिला, पाइप के अंदर, क्योंकि बाहर नज़र नहीं आया किसी को भी। तो फिर उन्होंने उसको सांप को बाहर निकाल के उसको मारा, तब इनको बताया गया से। यहाँ से इतने में ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक डॉक्टर्स ने अच्छा सपोर्ट किया, बट वो बच्चे की किस्मत नहीं थी, वो नहीं बचा पाए उसको। ये जो जिसकी डेथ हुई है वो मेरे साथ से के लड़का था, रोहित नाम था उसका, 9th क्लास में पढ़ता था। स्कूल में साफ सफाई नहीं थी, यहीं बेंच में सांप बड़ा हुआ था, वो सांप ने काट लिया। क्या हुआ? सांप ने काट लिया और यहाँ मतलब 15 मिनट के अंदर ही पहुँच गए थे और यहाँ पे डेथ हो गई। रोहित नाम का पेशेंट था, 15 साल उसकी उम्र थी, हिस्ट्री है स्नेक बाइट की उसकी। उसको लाया गया था उसके टीचर के द्वारा, राजेंद्र कुमार, उन्होंने जो हिस्ट्री दी है कि वो गिर गया अपने आप ही नीचे, ठीक है। और उसके जो बाद में अब आप जो राइट हैंड है उसकी उंगली पे 2 निशान मिले हैं हमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फिजिशियन है डॉक्टर पायल, उन्होंने देखा है इनको, तो उन्होंने जब उस टाइम एग्जामिन किया उसकी कंडीशन सिक थी, मतलब ज़्यादा नाजुक कंडीशन थी उसकी, और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था उसको, और हम पेनफुल स्टिमुलाई भी दे रहे थे उसको। उसके बाद उसको सर मैम ने जो मेडिसिन दी है उसको, उसके बाद उसको रिवाइव नहीं कर पाया वो, इस कारण उसकी डेथ हो गई वहाँ पर। उसके बाद उसको हमने पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट किया हुआ है, बाकी जो उसका कोज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता लगा। डॉक्टर साहब जो